सो हे गाइज वेलकम टू अवर चैनल सो गाइज़ आज का जो वाला वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होम मेड क्ले सो चलो देखते हैं कैसे बनेगा और आप देख सकते हो कि क्ले कितनी ज़्यादा मज़ेदार है आप लग भी नहीं रहा है कि घर पर बनाएँ और यहाँ पे मैंने एक स्लाइम जैसा भी बनाया है आप देख सकते हो स्लाइम जैसा लग रहा है बट ये है नहीं ये भी क्ले ही है और बहुत सुंदर तरीके के क्ले बनाए हैं मैंने और आप देख सकते हो तो चलो सीखते हैं बनते कैसे हैं तो आप यहाँ पे भी एक देख सकते हो कितनी क्यूट पिक है ना सो चलो देखते हैं इसको बनाना तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे मेरा जो मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया है वो वाला ये मेरा तो आप देख सकते हो इसको कितना ये भी अच्छा बना बनाए तो और आप इसको रख भी सकते हो पॉलीथिन में भी और चलो यहाँ पर हम आप आपको सबसे पहले दिखा देते हैं सामान क्या है तो यहाँ पर हमारे पास नमक है तेल है एक कोई भी आप बर्तन ले सकते हो जिसमें आप बनाओगे इसको और आपको पानी चाहिए और एक कप चाहिए नापने के लिए और थोड़ा सा पेंट चाहिए आप कोई भी पेंट ले सकते हो एक्रेलिक कलर एनी काइंड ऑफ कलर और यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से आपको वो करके खेल के आपको दिखा रही हूँ और चलो बहुत लिया हमने इसके साथ अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं सो आप इस तरीके का डिब्बा ले सकते हो और हमको एक स्पून भी चाहिए और हमको आप मैंने बट वो वाला डिब्बा नहीं लिया है मैं यहाँ कांच की कटोरी ले रही हूँ आप कोई भी डिब्बा विब्बा ले सकते हो मैंने जस्ट आपको दिखाया है आप चाहो तो आप वो ले लो और यहाँ पे अब हमको चाहिए मैदा आप कोई भी कंपनी का मैदा ले लो और यहाँ पे आपको कितना क्ले बनाना है आप उस हिसाब से कर सकते हो मैं डालूँगी इसमें एक कप मैदा उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप डाल सकते हो थोड़ा सा कम भी तो हमको क्या करना पड़ेगा ना यहाँ पर हमको हाफ कप डालना है नमक बट हम लोग हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा कम डालेंगे नमक जिससे कि नमक ज़्यादा ना हो जाए हमारे इसमें और अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से पहले देखेंगे कि एक कप है कि नहीं अगर एक कप नहीं होगा तो कोई बात नहीं हम लोग देख लेंगे उसको और अभी मैं थोड़ा सा और मैदा डाल के देख लेती हूँ कि परफेक्ट है ना नहीं होगा तो कोई बात नहीं मैं निकाल भी दूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं इसको कप में डाल रही हूँ और यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से पहले इसको डाल देंगे अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक मतलब थोड़ा सा नहीं सर ज़्यादा ही डालना है मतलब जितना आपने क्वांटिटी में मैदा डाला उससे हाफ क्वांटिटी में आपको नमक डालना है या फिर उससे भी कम थोड़ा मैंने ज़्यादा नहीं डाला है नहीं तो फिर क्या होगा ना जब आपकी क्ले तैयार हो जाएगी जब आप उससे खेल रहे तो नमक झड़ेगा और वो हम चाहते नहीं हैं इसी वजह से और नाव हमको क्या करना है कि हमको उसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है एंड दर हमको इसके अंदर ऑयल डालना है आप कोकोनट ऑयल सरसों का तेल कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो रिफ़ाइंड सो so, यहाँ पे तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रिफ़ाइंड और यहाँ पे मैं रिफाइन को अच्छे से करी जैसे आप कुछ भी कुछ बना रहे होते हो डिश बना रहे होते हो जैसे आप पिज्ज़ा बना रहे हो ऐसे उसका जो आप डो बनाते हो तो आप उसमें कहते हो मोयम कहते हो तो वैसे ही कुछ मोयम जैसे इनको करना है सो so, मैं इसको चम्मच से नहीं करूँगी अपने हाथ से करूँगी बिकॉज ये चम्मच से अच्छे अच्छे से हो नहीं रहा है so, तो हम लोग इसको अच्छे से हाथ से कर लेते हैं और अब हमको इसको घूटना है इसका आटा लगाना है विथ वाटर सो हम इसके अंदर पानी डाल के इसका एक आटा लगा देंगे लाइक दिस जैसा आप देख पा रहे हो और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा आटा तैयार होगा तो so, यहाँ पे कहीं हमारा आटा तैयार हो चुका है मैंने इसको गूँद दिया है वो गूंथने में थोड़ा सा टाइम लगा है बट कोई बात नहीं हमने गूँथ लिया इसको और अभी हमको इसको अच्छे तरीके से और गूँथना है बिकॉज ये ध्यान रखा आपका ये गीला नहीं होना चाहिए ज़्यादा मतलब गीला तो ये होगा नहीं बट होना नहीं चाहिए आप आटा खुद गूंथो अपनी मम्मी से गुतवा लो सकते हो कि सॉफ्ट होना चाहिए बस हमको इतना ध्यान रखना है अच्छे तरीके से हमको उसको मतलब इसको वो करते रहना है और इसके भी मैं बॉल्स बना रही हूँ मतलब मैंने इसके तीन क्ले के अलग अलग कलर्स बनाऊंगी आप अपने मन चाहे कोई भी कलर बना सकते हो आप चाहो तो आप इसको वाइट भी रख सकते हो बट ये वाइट अच्छा तो नहीं लगेगा अगर आप इसमें वाइट कलर करोगे तो अच्छा लगेगा और यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट इस्तेमाल कर रही हूँ मैंने आपको पहले भी बताया था तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ ग्रीन कलर को ब्लू कलर को और थोड़ा सा ऑरेंज कलर मतलब ब्राउन कलर को मैंने इस्तेमाल तो मैंने ब्राउन कलर किया था बट हो गए हो गया ये बन के ऑरेंज सो आप चाहो तो आप ऑरेंज कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो बट मैंने ब्राउन इस्तेमाल किया और ये ऑरेंज हो गया तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं थी सो so, यहाँ पे पहले हम लोग ब्राउन कलर निकालेंगे सो so, यहाँ पे मैं ब्रश लेके आ चुकी हूँ और मैं ब्रश इसको निकालना चाहती हूँ जिससे कि ये अच्छे से निकले बिकॉज हाथ से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और अब हमको इसको अच्छे तरीके से हमारे इसके ऊपर लगा देना है और इसको पेंट कर देना है और कई आपको पता हूँ एक बात ये ना पेंट डायरेक्टली आपके इसमें मिक्स नहीं हो जाएगा आपको थोड़ी देर तक उसको मतलब स्क्वीज करना पड़ेगा अच्छे से वो मलना वलना पड़ेगा और उससे फिर जाके जैसे आटा आप एक लगाते हो तो आप उसको बहुत देर तक गूंथते रहते हो फिर ही उसका बनता है अच्छे से तो जब तक आप इसको गूंथते रहोगे ना बहुत देर तक तब आके इसमें एक रियल चमक आएगी एक रियल कलर आएगा आप देख सकते हो इसको हमको इस तरीके से गूंथना है मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लग गया आई नो दैट कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है ये ग्रेवी जैसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि कोई हमने लाइक पनीर की ग्रेवी ला इसके ऊपर डाल दिया अच्छा नहीं लग रहा बट हम ना इसको अच्छे से चलाएँगे मतलब बहुत देर तक कुछ स्टोर करने के बाद यानी चलाने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ बट इसके बाद भी चलाने के बाद भी इसका अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और ब्राउन कलर डाला मैंने सोचा कि ये थोड़ा और ब्राउन हो जाए कि ये ब्लू मेरे को ऑरेंज लग रहा था तो इसी वजह से मैंने और ब्राउन कलर डाला बट उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा बट मेरा ये अच्छा बन गया बस इतना ही मेरे को एक फ़र्क दिखा मतलब क्या ना अच्छे से कलर मिक्स कर रही हूँ मैं जिससे कि अच्छा बन जाए और ये देखो ये कितना अच्छे से कलर मिक्स हो चुका है बट पता है मैं बीच बीच में ऑयल भी लगा ले रही थी बिकॉज हाथ में नहीं थोड़े से चिपक कर रहा था बिकॉज जो मेरा ये था ना आटा जो मैंने खुद से गूँथा था मतलब मैं गूंथती तो खुद ही से हूँ बट क्या ना मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया था इसी वजह से थोड़ा सा गीला हो गया था बट मैंने उसको एक साथ बहुत दे तक उसको स्क्वीज़ किया उसको बहुत तक हिलाया डुलाया और फिर वो ठीक हो गया और यहाँ पर हमारा क्ले बन के तैयार हो चुका है एक कले हमारा रेडी हो चुका है और आप देखो कुछ ऐसा दिख रहा है सो so, अभी हमको और भी क्लेस बनाने हैं यानी एक और कलर से बनाना है सो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर से अब हम बनाएंगे तो यहाँ पे मैं इसको स्केल से थोड़ा सा वो कर रही हूँ बिकॉज़ जब मैं इसके ऊपर कलर डालती हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कलर अच्छे से स्प्रेड नहीं होता इसी वजह से सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगी इसके ढक्कन को खोलूँगी और फिर मैं इसके ऊपर पेंट लगा दूँगी अच्छे तरीके से और अभी हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देंगे सो so, गाइज अभी ना आप देख सकते हो यहाँ पे सो so, यहाँ पे मैंने पेंट लगा दिया है और अभी मैं इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर दूँगी इसके साथ सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे सो so, या देखो कि कैसे मैं मिक्स कर रही हूँ मैंने ना हाथ में भी बहुत सारा लग भी गया था बट उससे कोई हमको दिक्कत की बात नहीं है मतलब मैं तो हैंड वॉश कर लूँगी बट थोड़ा तो ध्यान रखना कुछ भी पड़ता है जिससे कि वो नए सो so, मैंने अच्छे तरीके से मैं ना और लगा के इसको कर लीजिए जिससे कि ये ख़राब ना होए और ये देखो कुछ मतलब ये भी ब्लू वाला बहुत अच्छा बना मतलब शुरुआत में जब आप इसके उसके कलर मिलाते हो ना तो थोड़ा और स्टिकी हो जाते है बिकॉज मेरा तो पहले थोड़ा स्टिकी था ही बैटर यानी मेरा आटा और और स्टिकी हो गया जस्ट बिकॉज मैंने इसके अंदर वो लगाया बिकॉज़ उसमें भी हल्का सा पानी होता है और जब मैं इसको गूथ रही थी तो मेरी रिंग में भी थोड़ा थोड़ा लग जा रहा था अगली बार से मैं रिंग विंग नहीं पहनूंगी मैंने को रिंग विंग पहना बहुत अच्छा लगता है इसी वजह से मैंने रिंग विंग पहना था बट अगली बार से मैं नहीं पहनूँगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाथ में लगता है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऑयल लगा रही हूँ मैं ऑयल लगा रही हूँ अपने हाथ में मैंने आपसे बताया था मैं ऑयल लगा रही थी सो so, गाइज यहाँ पर आपने देखा भी कैसे बन रहा है हमारा ब्लू कलर बहुत सुंदर बन रहा है अब देख सकते हो ना थोड़े बहुत स्लाइम जैसे लग रहे हैं और ये मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं मैं आपको क्या बताऊँ इतने मज़ा आता है इसके साथ खेलने में ना हाँ बहुत अच्छा लगता है मतलब बता दा इसको जब प्रेस करते हैं इसको जब स्क्वीज़ करते हैं तो, तो इसकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है इसके साथ खेलने में भी बहुत मज़ा आता है और जब मैं इसके अंदर कलर ऐड कर रही थी मतलब जब उसको अच्छे से वो कर रही थी चला के इसका अच्छा बना रही थी तब मतलब मेरे को इतना मतलब अच्छा लग रहा था जब मैं इसको कर करी थी जब इसके साथ मैं इसको मिक्स करी थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इसके साथ खेल रही रूल कितना अच्छा लग रहा था आ, मैं आपको बता नहीं सकती सो so, अब मैं लास्ट कलर बनाऊँगी ग्रीन कलर सो so, ग्रीन कलर को हमको करे फिर से खोल लेना है और यहाँ पर मैंने खोल दिया जादू करके और यहाँ पर अब हम लोग तो थोड़ा सा ग्रीन कलर भी लगाएंगे तो आप अपने फेवरेट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो अब आपके ऊपर वो डिपेंडेड है कि आप कौन से कलर्स इस्तेमाल करते हो सो so, यस yes, आप कोई भी अपने मनपसंद का कलर इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे मैं ग्रीन इस्तेमाल रही हूँ मैंने ना पिंक इसलिए इस्तेमाल करी बिकॉज मैंने पिंक पहले से ही बना लिया है इसी वजह से मैं सबको पिंक नहीं बनाना चाहती या रेड वेड भी नहीं बनाना चाहती इसी वजह से मैंने और कोई कलर नहीं बनाया और और आई नो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है थर्टीन मिनट्स का बट आप देख लेना जिससे कि आपको क्ले बनानी आ जाए और ना गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ अगर आपको क्ले बनाना अगर आपने बनाया है ट्राई किया है तो कमेंट्स करके बताना है कैसा बना और बताना ज़रूर और लाइक कर देना अगर आपका सही बनाओ तो लाइक कर देना सही नहीं बनाओ तो भी लाइक कर देना और सही अगर नहीं बनाओ तो सब्सक्राइब करना अगर अगर सही बनाओ तो भी सब्सक्राइब करना लाइक सब्सक्राइब बस कर देना और कुछ नहीं और पूरा वीडियो एंड तक देख लेना जिससे कि आपको समझ आ जाए कि हमने बनाया कैसे है और यहाँ पे ना मैं तेल अपने हाथ में लगा रही थी इसी वजह से को सोच रहे होगी कि मैं कहाँ चली गई तो मैं अपने हाथ मतलब तेल लगा रही थी जिससे कि मैं इसको अच्छे से वो करूँ कॉ आप देख सकते हो मेरा पूरा हैंड ग्रीन हो चुका है ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि मेरे हाथ में और कोई कलर था भी सो देखो कुछ ऐसा हो चुका है और यहाँ पे देखो कितना लग रहा है so, सो यहाँ पे देखो मैं हैंड वॉश करके और हर चीज़ ढंग से करके आ चुकी हूँ और अब मैं आपको वापस से खेल के दिखा रही हूँ क्या मज़ा आ रहा था गाइस खेलने के लिए साथ इसके साथ मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको वाओ लिटरली वाओ आई कैंट इवन टेल यू मेरे को कितना अच्छा लगता है जब मैं इसके साथ खेलती हूँ तब और ये देखो ये मैंने ये मैंने पिंक वाला भी जो बनाया था ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ खेल के इसके साथ ही सो so, आप भी अपने होम में ये बना सकते हो और ज़रूर से अगर कमेंट अगर आपने बनाया ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को जानना है कि आपने बनाया कि नहीं बनाया और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है राम मंदिर का वीडियो सो तो वो जाके जल्दी से देख लेना वो बहुत अच्छा बना था तो जल्दी जाना और देख लेना और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये यह यहाँ पे ऐसे हैं सारे के तो सारे तो गाइस ये कौन सी ये भी इसके साथ येलो भी है बाय बाय गाइज